ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के मुद्दे को सामने रखते हुए सरकार से अपील की है, इनका तकरीबन 6 से 8 महीनों का लोन इंटरेस्ट माफ करे और कोई उपाय योजना पर विचार करे ताकि इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। किसानों के बाद ट्रांसपोर्ट विभाग इंडिया में दूसरे नंबर पर आता है। इस बंदी के चलते ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इसकी ओर ध्यान देना प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही जो बॉर्डर पर चेक पोस्ट ड्राइवर्स की चेकिंग होती है, यदि माल अवैध है, गलत है, इसमें माल भेजने वाले से लेकर जिसे माल भेजा जा रहा है उस पर भी कार्रवाई होने की बात प्रहलाद अग्रवाल ने की है। मैं प्रहलाद अग्रवाल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का अध्यक्ष। मैंने प्रयास किया था, मेरा ये मानना है कि हमारी ये लॉजिस्टिक जो है वो इंडिया में दूसरे नंबर आती है, किसानों के बाद इसका नंबर आता है। हर काम में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र को टैक्स देने में और में सब में इसका दूसरा नंबर आता है। और इस वक्त जो 1, 2, 3 गाड़ी के मालिक हैं और जो जिन्होंने बैंक से फाइनेंस लिया हुआ है, उनकी दशा इतनी बुरी है जिसका कि कोई हिसाब नहीं। सरकार से, मेरे हिसाब से उन लोगों का हक बनता है कि वो सरकार को खुद उनके लिए सोचना चाहिए और उनका इंटरेस्ट तो कम से कम भी 6 महीने 8 महीने का माफ़ करना चाहिए और उनको टाइम भी देना चाहिए कि भाई जैसे ही उनका बिजनेस बराबर स्टार्ट हो तो वो हफ्ता भरें। ये सरकार को पहला पगला लेना चाहिए। और दूसरा पगला जो इसको, इस धंधे को ख़त्म कर रहा है, वो है बॉर्डर के चेक पोस्ट। बॉर्डर के चेक पोस्ट के लिए उनको ट्रक वाले को ही पनिशमेंट न देके इसके लिए जो माल भेज रहा है, जो कि बराबर का रिस्पॉन्सिबल है, माल पा रहा है वो भी बराबर का रिस्पॉन्सिबल है। अगर माल भेजने वाला गलत माल नहीं भेजेगा या ट्रक में चेक करके गाड़ी लोड नहीं, ठीक लोड करेगा, तो हो ही नहीं सकता कि वो गलत हो। इसलिए मेरी मीडिया वालों से, खास करके जो इस देश के हित को, अहित को सब आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं, वो मेरी है इस आवाज़ को, हमारे जो भी वेल विशर नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुंचे और वो इस पे विचार करें कि अगर ये इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई तो देश का क्या होगा। और इसमें भी गरीब लोग, अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जो ड्राइवर भाई हैं वो गरीब लोग हैं, उनके लिए जैसे सरकार ने किसानों के लिए उनके खाते में डलवाया, तो उनके लिए भी कोई एक ऐसी योजना बननी चाहिए कि उनको भी अपनी दाल रोटी मिलती रहे। यही मेरी मीडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि इस आवाज़ को, देश का जो नेता, अच्छा नेता है, उस तक पहुंचे और वो अपने स्टेट में इन चीज़ों को लागू करें और अपने स्टेट के जो भी उनके लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हैं उनके लिए वो काम करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आशा सहित जरूर इस पर एक्शन हो।